लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी। आज इस पर मजीद बात करते हैं। हमने कहा था कि जो हमारी लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल एक्ट करती है, यानी कि इस पॉइंट पर इस तरह से हर टेंजेंट पर जो हमारी वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और जो हमारी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराती है इसके सेंटर से एक्ट करती है, जिसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते थे। हमें मालूम है कि न्यूटन अपने सेकेंड लॉ में न्यूटन ने यह बताया है कि जब भी किसी जिस्म पर कोई फोर्स अप्लाइड होती है तो इस फोर्स की डायरेक्शन में इस फोर्स के लगने की वजह से उस बॉडी के अंदर मास एम रखने वाली बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो एक बात थी। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना कर्व पाथ रोटेट कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर पोजीशन हर पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। और हमें मालूम है कि हमारी वेलोसिटी में तब्दीली या तो मैग्नीट्यूड की तब्दीली की वजह से आती है या डायरेक्शन की वजह से। इन दोनों में से अगर कोई एक काम भी हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड, तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन दोनों केसेस से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डेल्टा वी यानी वेलोसिटी वी के चेंज होने से किसी ना किसी टाइम इंटरवल में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन से हमें मालूम है कि हमारे सर्कुलर पाथ पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए तो प्रोड्यूस हो रहा है। कह लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसे मैं किसी न किसी थ्रेड से हम लोगों ने बांधा है और इन्हें सर्कुलर पाथ उसे रोटेट करा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंट टू द सर्कल है। और चेंज इन वेलोसिटी जिसे हम लोग डेल्टा वी कहते हैं वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। सेंटर से हमारा हाथ जो है वो इस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा है इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने की वजह से। और ये जो फोर्स है ये चेंज इन वेलोसिटी को सेंटर की तरफ एक्ट करती है, इसी वजह से हमारी ये जो बॉडी है ना सर्कुलर पाथ रोटेशन करने के काबिल होती है। अब जो हमारा एक्सेलरेशन है जो कि इस फोर्स एफ के लगने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है। अब मसला ये है कि हमें इस प्रूफ को साबित करना है कि ये इसके इक्वल कैसे होता है। बहुत आसान है, हम आसानी से इसे साबित कर सकते हैं। फर्स्ट कह लेते हैं कि ये वो हमारा सर्कल है जिस पर हमारी बॉडी जो है रोटेट कर रही है और ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो हर पॉइंट पर टेंजेंट टू द सर्कल की तरफ ही एक्ट करती है। अब ये जो हमारी वेलोसिटी है अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ऐड अप करना चाहें तो इसे हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि इसे कह दें कि ये वी वन है, ये वी टू है, यहाँ पर कोई ना कोई वी थ्री होगी और ये वी फोर है। अगर मैं वी वन वेक्टर को इस तरह से रखूँ, वी टू को इस तरीके से इसके साथ जोड़ दूं, वी थ्री को ऐसे इसके साथ और मुख्तलिफ वेक्टर्स उठाती जाऊं और इनके साथ जोड़ती जाऊं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि सारी की सारी वेलोसिटीज जो हैं वो इन सर्कुलर पाथ मेरे पास जमा होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इनको ऐड अप करती चली जाऊं तो एक सर्कुलर पाथ की शेप इख्तियार कर लेगी। और टू वेलोसिटीज जो हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है जिसे हम लोग डेल्टा वी कहते थे, ये वो डेल्टा वी है जो इन दो वेलोसिटीज के दरमियान डिफरेंस है जो चेंज इनमें प्रोड्यूस हुआ है। और हमारे ये जो टेंजेंट्स होते हैं ये हर पॉइंट पर सर्कल पर हमें मालूम है इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं और किसी भी टू पॉइंट्स के दरमियान जब हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे तो यानी कि फर्ज कर लीजिए कि ये टू पॉइंट्स हैं वी वन और वी टू, ये है तो इन्हें सर्कुलर पाथ लेकिन बहुत से छोटे से डिफरेंस के लिए जो हमारा सर्कल होता है उसे हम लोग जो है इसे अगर मैं थोड़ा सही बनाऊं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी दो वेलोसिटीज हैं और वो बहुत ही क्लोज हैं, हम टू क्लोज पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ले रहे हैं, तो इन अ स्मॉल इंटरवल जो हमारा कर्व पाथ हो जाता है उसे हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा जो वो कर्व पाथ है वो बिल्कुल से स्ट्रेट हो जाता है जिसे हम लोग डेल्टा वी कहते हैं। तो इस तरह से तब्दीली होते होते हमारी वेलोसिटीज में जो तब्दीली हो रही है वो ना सर्कुलर पाथ हो रही है, वो एक पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रही हैं। तो अगर मैं इस डेल्टा वी का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो वो मुझे कुछ इस तरह से निकालना चाहिए कि ये जो डेल्टा वी है
तो वो जो वो तकरीबन हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर के इक्वल है। इस वेलोसिटी को यहाँ इसलिए लिखा गया कि हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस सिचुएशन में रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाती है। और अगर मुझे अब वो टाइम भी बताना पड़े तो डेल्टा वी के एक्सप्रेशन मैंने बताया ना कि ये इस तरह से तब्दीली हो रही है कि पूरे के पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमें डेल्टा वी की वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर मुझे ये भी बताना हो कि ये डेल्टा वी जो है जिसने पूरा का पूरा सर्कल कवर किया है, ये कितनी देर में उसने किया होगा, हर पॉइंट पे चूंकि वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होते हुए कुछ ना कुछ तो टाइम कंज्यूम हुआ होगा। अगर उस टाइम का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो मेरे पास एक रिलेशन है जिसे हम लोग यूँ कहते हैं कि वो एस इज इक्वल्स टू वी टी है, यानी कि तय करदा फासला जो है वो बराबर होता है उस बॉडी की वेलोसिटी और जितना उसने टाइम इस्तेमाल किया है। इस एक्सप्रेशन को तो हम जानते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से टी निकालना चाहूँ तो टी मेरे पास इस तरह से निकलता है कि पूरा का पूरा डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है ना सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय वो वेलोसिटी जिसके साथ हम लोगों ने ये सारा का सारा पाथ ट्रैवल किया है। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन होता है कि वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन में डेल्टा वी और वी की वैल्यूज पुट करती हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी जाए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और जो डेल्टा वी है डेल्टा वी बराबर है एस वी ओवर आर के, और जो हमारा टाइम इंटरवल है डेल्टा वी वो बराबर है जी तय करदा फासला डिवाइडेड बाई वी। अब इन्हें दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम लोग इधर पुट कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जी डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी की वैल्यू जो कि एस वी बाय आर है और डिवाइड हो रहा है डेल्टा टी से, डेल्टा टी जो है एस वाई वी। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है कि हमारा एक्सेलरेशन ऐसे ही एस वी बाय आर और ये वी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि वो सारा का सारा फासला जो हम लोगों ने ना सर्कुलर पाथ कवर किया है। तो ये एस इस एस से कैंसिल हो जाता है, वी वी से मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि अब हमारा एक्सेलरेशन जो है इट बिकम्स वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरह से हमारा जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो वाकई में वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल आ जाता है। अगर ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक्ट ना करे तो हमारी फोर्स भी एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता ही है, क्योंकि हर बॉडी का कोई ना कोई मास होता है। जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और हमें मालूम है कि हमारी बॉडी जो ना सर्कुलर पाथ रोटेट कर रही है उसे सेंटर से कोई ना कोई फोर्स खींच रही है जिसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, और इस सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर जो ना सर्कुलर पाथ रोटेट कर रही है कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए सी भी प्रोड्यूस हो जाता है जो उस बॉडी को फोर्स की वजह से मूवमेंट शो कराता है। अब जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारा न्यूक्लियस है, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये हमारी मूविंग कार्स है या कोई भी बाइक है जो ना सर्कुलर पाथ अगर रोटेशन शो कर रही है तो इस पर कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही होगी, और इस फोर्स की वजह से कोई ना कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा जो इस बॉडी को ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराता है। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में हमारी जो अर्थ है, हमारा सन, मुख्तलिफ इकसाम के झूले वगैरह सब कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही मूव कर पाते हैं। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ना हो तो कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेट ना कर सके, और जब किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगती तो उस पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें सेंट्रिपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी को ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इनके बगैर कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो नहीं कर सकती। जैसे कि वही एग्जांपल हमारे एटम की, अगर हम लोग एटम की एग्जांपल को कंसिडर करें तो हमारे एटम पर भी एक सेंटर से फोर्स लग रही होती है एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और सेंटर पर प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कह सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ फोर्स लगने की ये जो फोर्स इस पर लग रही है इलेक्ट्रॉन की, इसी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिट मूव करने के काबिल होता है। अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स
भी ना हो तो हमारा एटम भी कभी एग्जिस्ट ना करे, और एटम के वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो इसका यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बहुत नेसेसरी है किसी भी बॉडी के रोटेशन के लिए।